सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट एंग्री ओमेन। वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो क्या हाल है भाई सबके? दोस्तों, मुझे काफी सारे बंदों के डीएम आते रहते हैं कि एंग्री भाई, हमारे पास जो है अच्छा खासा गेमिंग माउस है, फिर भी हमारा जो माउस है ना वो बहुत ज्यादा डिले करता है। जब भी हम लोग फायर वगैरह करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार जो बुलेट है ना वो बहुत ज्यादा टाइम डिले करके जो है फायर हो रही है। ऐसा महसूस होता है कि जब भी हम लोग फायर करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हाँ यार थोड़ा सा डिले वगैरह है माउस में, उतना एक्यूरेट नहीं है हमारा माउस, बहुत ज्यादा डिले वगैरह लगता है। तो अगर आपको भी ऐसा वाला प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी जो गोली है बहुत ज्यादा डीले हो रही है और जब भी आपको माउस को ना क्लिक कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आपका माउस जो है तो डीले से मतलब हो रहा है, थोड़ा सा मतलब लेट जो है फायर हो रहा है, तो आज की वीडियो में आपको ऐसा फ्री टूल देने वाला हूं भाई दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका जो है माउस का जो है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसका डीले जो है हटाने के लिए। एंड आपको जो है ना ऐसा मैं ना रेंज भी देने वाला हूं जो कि विंडोज का डिफॉल्ट रेंज होता है, जो कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि अगर आपकी कोई भी सेटिंग वर्क नहीं कर रही है तो एक बार जरूर से ये जो विंडोज का डिफॉल्ट रेंज होता है उसको ट्राई करके देखना। उसी के साथ में आज की वीडियो में आपको जो है विंडोज की जो सेटिंग बताने वाला हूं माउस की, जो कि आपकी जो है माउस का डिले जो है बहुत ज्यादा हद तक जो है कम करने वाली। तो ये सारी जो बातें होने वाली है आज की अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार जरूर से लाइक करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरू करते हैं आज की मजदूरी बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इस फ्री टूल का नाम है एक्स माउस बटन कंट्रोल। अभी ये जो टूल है ना ये बहुत सारे दूसरे जो शूटिंग्स गेम है ना उनमें भी यूज करते होते हैं, जैसे कि है ना हमारा समझ लो वैलोरेंट, CS:GO, काउंटर स्ट्राइक, ऐसे जो दूसरे है ना PC गेम्स है ना जिसमें जो है शूटिंग्स होता है, जिसमें माउस का बहुत ज्यादा यूज होता है शूटिंग करने में, तो उसमें बहुत ज्यादा यूज कर मतलब बहुत सारे बंदे यूज करते हैं ये वाला फ्री टूल। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई आपको इसका डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सॉरी अपने जो है कॉमेंट बॉक्स में, वहाँ से इसको डाउनलोड करना। और यहाँ पर है ना ये वाली जो फाइल होगी वो जिप फाइल होगी, तो इसको आप 0 डाल के आप यहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर कर लेना। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कि माउस ऑप्टिमाइज का एक है ना फोल्डर, तो यहाँ पर जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों एक तो होगा एक्स माउस बटन कंट्रोल का यहाँ पे एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको राइट क्लिक करना है सबसे पहले, तो यहाँ पर इसको फटाफट से राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, जो कि यहाँ पर आपको इसका दिख जाएगा आइकॉन एक्स माउस बटन कंट्रोल करके, तो यहाँ पर इसको कर लो। एंड देन यहाँ पर आपको ऊपर वाला जो मार्क सी विंडोज है ना इसको यहाँ पर आपको अनजिप करना है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसको विंडोज के जो डिफॉल्ट रेंज होता है यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा विंडोज 10 के लिए, ठीक है। विंडोज 11 के लिए भी आप ना इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर विंडोज 10 के लिए फिक्स करने के लिए माउस का एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर जो है स्केल 100 के लिए यहाँ पर आपको ये रेंज मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको 100% अगर आपने स्केल का रखा है डिस्प्ले का तो आपको इसको रन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एडिट इन नोटपैड में करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या वैल्यूज हैं और यहाँ पर कौन से फोल्डर में यहाँ पे वैल्यूज जो है चेंज होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माउस के फोल्डर में यहाँ पर वैल्यूज चेंज होने वाले, तो नीचे वाला भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जो कि आपको रन करना है। अगर आपके माउस में डिले वगैरह है या फिर आपका माउस जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इसको डिफॉल्ट पे सेट करना है, तो आप है ना इन वाले रेंज का उपयोग कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन से रेंज का उपयोग करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पर सिंपली आप सर्च कर लेना टास्क बार में, ठीक है, सर्च बार में सॉरी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि स्केल होगा, जहाँ पर आपको 100% रिकमेंडेड बोला गया है तो आपको 100% पे ही रखना है और उस हिसाब से जो है आपको ये वाला रेंज जो है रन करना है। इससे क्या होगा, आपका जो है माउस होगा ना वो पूरा डिफॉल्ट पे चला जाएगा, ठीक है। एंड भी बहुत सारे इसमें जो है जो मतलब बैच फाइल वगैरह देखने को मिल जाएंगे, रजिस्ट्री एडिटर भी, जो कि जो है मतलब वेलकम नोट्स वगैरह जो आते हैं वो स्टार्टिंग में उसको ऑफ करने के लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया है, अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं भाई जो हमारा मेन फ्री टूल है उसकी सेटिंग्स के ऊपर। आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर डिफॉल्ट पे टिक होगा तो इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। एंड सेटिंग में यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर एडवांस में जाना है, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, सबसे पहले तो ये वाला कर लो। यहाँ पर आपको डीप जो दो ऑप्शन जो यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ उसको टिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो MS यानी मिली सेकंड जो यहाँ पे दिख रहा है ना इसको आपको 1 पे सेट करना है। अब ये डायरेक्टली ना कट वगैरह नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे नीचे जो है बटन दिख रहे ना उनका जो है इस्तेमाल करके यहाँ पर इसको 1 पे सेट करना है। अभी मेरे को ये बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे को इसका डायरेक्टली सेट करने का ऑप्शन नहीं पता था, तो इसको यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना इसको आपको 1 पे सेट करना है, सब कुछ यहाँ पे 1 पे सेट करना है। एंड यहाँ पर जो लास्ट वाला जो ऑप्शन 200 है ना इसको आपको जो है 100 पे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे 1 पे सेट हो चुका है और लास्ट वाला जो विंडोज का जो ऑप्शन है यहाँ पर इसको मैं जो हूँ 100 पे सेट करता हूँ। एंड यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर 200 है, तो इसको भी आपको क्या करना है दोस्तों, 1 पे सेट करना है। अभी यहाँ पर इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको मैं यहाँ पे जो है फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि आपको जो ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। अभी ये सारी स्टेप आपको फॉलो कर लेना है, तो यहाँ पर मैं इसको पूरा जो है डिक्रीज कर ले रहा हूँ 1 पे, ठीक है। यहाँ पर ये हो चुका है,
और एक नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर, सब कुछ देख लेना वन पे हो चुका है या नहीं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सीपीयू प्रायोरिटी को रियल टाइम पे रखना है, यानी कि जब आप पीसी है ना ऑन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब ये ऑटोमेटिकली सेटिंग अप्लाई होने के लिए और एक सेटिंग आपको करनी है। सबसे यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ और इसमें कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ पर आपको डिले कम करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सेटिंग होने के बाद कट कर लेना आप लोग, और चाहो तो एक बार अपने पीसी को जो है रिस्टार्ट कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, टास्क मैनेजर में आपको आना है, ठीक है। टास्क मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे यहाँ पे डिटेल्स में जाना है दोस्तों, एंड एक्स टाइप करना है, जिससे हमारा जो एक्स माउस बटन जो कंट्रोल जो टूल है ना, जो कि यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर सेट प्रायोरिटी को रियल टाइम पे सेट करना है, ताकि जब भी आप अपने पीसी को जो है रिस्टार्ट करोगे, पीसी ऑन ऑफ करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ऑन हो जाएगा और ये सेटिंग जो अप्लाई हो जाएगी। अभी इसके बाद में जो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है विंडोज़ की, जो भी बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको यहाँ पे करके ट्रेनिंग में जाके दिखा देता हूँ कि कितना फर्क पड़ रहा है क्या नहीं, ठीक है। सर्च बार में आओ, यहाँ पर सबसे पहले माउस सेटिंग यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है। ये तो सॉरी नॉर्मल सेटिंग्स होती है। माउस पॉइंटर स्पीड यहाँ पर मैंने 8 पे रखा है, अभी आपने हिसाब से आप रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि इस पे रखो। तो एडिशनल सेटिंग्स में भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टार्ट जो होता है ना बटन्स का साइज वगैरह स्पीड वगैरह, तो यहाँ पर इसको मैंने स्लो पे रखा है, ठीक है। पॉइंटर ऑप्शन को यहाँ पर मैंने बोल सकते हो यहाँ पे अनटिक किया है इनहांस पॉइंटर ऑप्शन को, और यहाँ पर इसको मैंने 5 पे सेट किया है, ठीक है। और दूसरी कोई सेटिंग मायने नहीं रखती है, बस यही ज़्यादा मतलब आपके लिए मतलब उपयोग करता है भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको चलना है माउस की सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको माउस कीज में जाना है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है ना, यहाँ पर मैंने इसको 1 पे सेट किया है, यानी कि पूरा 0 कर दिया है। तो आपके पीसी में या फिर विंडोज 10 अगर आप यूज़ करें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा विंडोज कीज एक्सेलरेशन का जो यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पर मैं इसको ऑफ होगा तो इसको ऑन करके आपको बस सिंपली क्या करना है, इसको ऑन करना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल्स में भी आप इस सेटिंग को कर सकते हो। अब इसके बाद में अगर आपका कीबोर्ड में डिले वगैरह है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना है कीबोर्ड करके, तो यहाँ पर ये नॉर्मली आ जाएगा ऐसा, इसको ओपन कर लेना। और यहाँ पर अगर आपका शॉर्ट पे रखा है तो इसको यहाँ पे आपको पूरा स्लो कर देना है, यानी कि इसको पूरा 0 पे आपको कर देना है, एंड यहाँ पर अप्लाई करके ओके कर देना है। इसके बाद में जो आपके जो गेम में आपका अगर जो डिले वगैरह आ रहा है जो कीबोर्ड वगैरह है उससे या फिर माउस से जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एंड आपका जो है ना इतना एक्यूरेट लगेगा आपका माउस एंड आपका कीबोर्ड, एकदम एक्यूरेसी आएगी, बहुत ज़्यादा मतलब डिले वगैरह कम ही हो जाएगा आपका। एक बार पीसी को रिस्टार्ट कर लेना है आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है क्या नहीं। मेरे लिए तो बहुत सही वर्क कर रहा है, एकदम से मेरे को रिजल्ट देखने को मिला जब मैंने इसको अप्लाई किया था, बहुत अच्छे से मतलब मेरा यहाँ पे एयरशॉट वगैरह लग रहा था, एकदम मतलब माउस एकदम स्मूथली भी हो गया था, क्योंकि मैंने वो जो डिफॉल्ट रीजन है उसको रन भी किया था। तो अभी मैं आपको आगे जो है दिखा देता हूँ कि मतलब इसका डेमो बोल सकते हो कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे मतलब इसका क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका मतलब बेनिफिट आ रहा है या सच में नहीं, ठीक है। अभी मेरे को आप है ना बताना कि आपको क्या पहले से ये वाले जो सॉफ्टवेयर है इसके या फिर टूल बोल लो इसको, इसके बारे में पता था या नहीं, मेरे को ज़रूर से बताना। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग दिखा दे रहा हूँ। थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद जो है सेटिंग बहुत बढ़िया यहाँ पे हो गई थी, एंड बहुत बढ़िया वाले हेडशॉट भी लग रहे थे, एकदम जो है रेड नंबर ही लग रहे थे, डायरेक्टली हेडशॉट लग रहे थे सीधा, मतलब बहुत बढ़िया सी सेटिंग मैंने यहाँ पे बनाई है। आप चाहे तो इसका रेफरेंस लेके बोल सकते हो, एंड एक बार मेरे को जरूर से बताना भाई इसका जो है आपके पीसी में कुछ फर्क पड़ा या नहीं, ठीक है। तो आई होप कि गाइस आज की वीडियो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे आपको जो है पूरा माउस का डिले खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की मजदूरी पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।